हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अर्थ रेजिस्टेंस के बारे में कि अर्थ रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको मेज़र कैसे करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो अर्थ रेजिस्टेंस यानी कि अर्थ का रेजिस्टेंस मींस जमीन का प्रतिरोध। तो और इसमें मेज़र क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है कि जो हमारी जो सोइल है उसकी जो है रेजिस्टिविटी कितनी है। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं कि जो हमारी जो सोइल है उसका जो है रेजिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मींस हमने जहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हमने ये मान के चलो कि ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इसको हमने जो है ज़मीन में गाड़ दिया है, तो ऐसा तो नहीं कि जो वहाँ की जो ज़मीन है वो जो है कि जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारी जो सोइल है, ठीक है, उसका जो प्रतिरोध है वो कितना है। ठीक है, तो अर्थ रेजिस्टेंस में यही चेक किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि अर्थ रेजिस्टेंस वो मतलब और कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि पानी ऊपर से नीचे बहता है, कुछ इसी तरीके से हमारा करंट बहता है, क्योंकि जो हमारी जो ज़मीन है ये है जीरो पोटेंशियल। ठीक है, इसलिए तो जो है कोई भी चीज़ है वो अर्थ इसलिए ही होती है क्योंकि हमारी जो सोइल है उसका पोटेंशियल है जीरो, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है ये है इसका जो नेचर है वो एक कंडक्टिव नेचर है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि अर्थ रेजिस्टेंस होता क्या है। अब बात करते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस को मेज़र करने की प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो दो मिनट के लिए। तो हमारे पास अर्थ रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले नंबर पर अर्थ टेस्टर। ठीक है, तो ये जो है ये अर्थ टेस्टर है। उसके बाद में ये जो है ये एक एनालॉग अर्थ टेस्टर है, और ये जो ये है डिजिटल अर्थ टेस्टर। तो ये एनालॉग अर्थ टेस्टर है, ये जो है ये डिजिटल अर्थ टेस्टर है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होनी चाहिए हमारे पे, दो स्पाइक। ठीक है, स्पाइक क्या होती हैं, जो नेल्स होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की रहती हैं, वो उनकी लंबाई होती है 18 इंच या फिर 1.5 फीट। और वायर चाहिए, ठीक है, एक वायर की लेंथ रहती है 10 से 15 मीटर, और दूसरे की जो रहती है वो रहती है 15 से 20 मीटर। उसके बाद में हैमर 2.5 kg का, उसके बाद में स्पैनर, क्योंकि हमारे को जो अर्थ इलेक्ट्रोड का जिसका रेजिस्टेंस नापना है वो पूरी तरीके से ओपन होना चाहिए, मतलब उसमें जो है पूरी तरीके से उसका आइसोलेशन होना चाहिए। अब उसके बाद में बात करते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा एग्जांपल के लिए कि जैसे ये देख रहे हो आप। ठीक है, ये जो है इसका जो है हम ये जो इसके आसपास की ज़मीन है हम मेज़र यही करते हैं कि इसके जो आसपास की सोइल है उसकी जो है रेजिस्टिविटी कितनी है। ठीक है, अब जब हम अर्थ रेजिस्टेंस लेंगे तो ये जो ये, ठीक है, ये जो ये है इसके जो नट बोल्ट्स हैं इनको जो है हम पूरी तरीके से जो है ओपन कर देंगे। सिर्फ ये जो ये अर्थ इलेक्ट्रोड है इसको बोलते हैं मेन अर्थ इलेक्ट्रोड, सिर्फ ये हमारा ओपन रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक तो जो है हम अर्थ रेजिस्टर जो है ये इसकी जो प्रोसेसिंग है इस तरीके से है। ठीक है, जो हमारा जो अर्थ रेजिस्टर है वो उसकी जो इसमें जो क्या है ये इंटरनली जो है ये E1 और P1 ये शॉर्ट रहते हैं आपस में, ये एक्चुअल में E1 P1 नहीं है, ये C1 और C2 है, क्योंकि इसमें क्या एक करंट की स्पाइक रहती है और एक रहती है वोल्टेज की स्पाइक। तो जो वोल्टेज की स्पाइक है उसको हम गाड़ते हैं पास में, ठीक है, और जो करंट की स्पाइक है उसको गाड़ते हैं हम दूर। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि इसको जो है ये मतलब कि इसको मेज़र करने की प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो है मैं ये अर्थ टेस्टर रखूँगा। ठीक है, और जो अर्थ टेस्टर है इसका जो ये C1 P1 है ये आपस में शॉर्ट रहता है, अगर नी शॉर्ट होगा कि अर्थ टेस्टर में तो आपको जो है खुद शॉर्ट करना है। ये इसका जो एक जो वायर है, ठीक है, यू पिन जिसमें लगी होंगी वो एक ही होगा, उसको आप कनेक्ट करोगे ये मेन अर्थ इलेक्ट्रोड से, मीन्स यहाँ से सिर्फ जो है एक वायर आएगा, वो आप एक जो इसमें लगा दोगे अर्थ इलेक्ट्रोड में और एक लगा दोगे आप C1 P1 में। और ये जो ये है P2 का मतलब पोटेंशियल, जो पोटेंशियल की स्पाइक है इसी को आप बेस मान के, ठीक है, इसके बिल्कुल सीधा गाड़ दोगे आप। ठीक है, वो तो आ जाएगी हमारी पोटेंशियल की स्पाइक, कितनी दूर गाड़नी है 50 से 75 फीट, ठीक है, या फिर जो है 10 से 15 मीटर। उसके बाद में ये जो ये दूसरी स्पाइक है ये हमारी करंट की स्पाइक, तो करंट की जो स्पाइक है
वो गड़ेगी हमारी 100 से 150 फीट पे, या फिर 20 से 25 फीट पे कम से कम। और जो हमारे को जो वायर यूज़ करनी है उनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जब हम अर्थ रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे तो जो वायर है उसका भी जो है रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि ठीक है, एक तो आपने यहाँ गाड़ दी, इसको जो है बेस मान बिल्कुल इसकी जो है सिधाई में, और दूसरा जो मापनी है अर्थ टेस्ट, ठीक है, एक तो आपने लगा दी बिल्कुल इसकी सिधाई में 30 डिग्री, बिल्कुल इसको बेस मानते हुए, और जो दूसरा आप लगाओगे वो लगाओगे आप इसको इसको जो बेस मान के 45 एंगल पे, 45 डिग्री का एंगल आप सेट कर लोगे इसको बेस मानते हुए P2 को, और जो है उसको जो है उस स्पाइक को गाड़ दोगे। उसके बाद में ये जो ये हैंड जनरेटेड ये है, मतलब कि है हाथ से घुमाने वाला ये जो जनरेटर है, ये AC जनरेटर है, ना कि DC जनरेटर, क्योंकि इसमें जो और जो वोल्टेज इसमें प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं 60 से 80 वोल्ट, 90 वोल्ट, 100 वोल्ट, ठीक है। बाकी जनरली जो है मिनिमम जो वोल्टेज है वो जो रहते हैं वो 70 वोल्ट रहते हैं AC वोल्टेज, ठीक है। मेगर और अर्थ टेस्टर में ये डिफरेंस है, मेगर जो जनरेट करता है वो करता है DC वोल्टेज, और ये जो ये जनरेट करता है ये करता है AC वोल्टेज, क्योंकि AC में ही जो है विद्युत अपघटन होता है, ना कि DC में। अब ये बात तो हो गई है कि मतलब कि उसके बाद में जो है हम घुमा देंगे, और उसके बाद में ये जो है ये स्केल करने लगेगा कि जो है कि वैल्यू कितनी है, और ये जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए ये 10 ओम से कम होनी चाहिए एक अर्थपीट की, ठीक है। इसको हम जो है अर्थपीट बोलते हैं, हमारे जो घरों की है वहाँ पर भी जो है 1 ओम से कम होनी चाहिए। अब सेकंड थिंग क्या है कि ये काम कैसे करता है, तो जैसे कि एक तो ये स्पाइक ये हो गई करंट की और एक हो गई वोल्टेज की, तो जब हम इसको हैंडल से रोटेट करते हैं तो इसमें जब AC वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, तो AC वोल्टेज प्रोड्यूस होने पे क्या होगा, जहाँ पर ये अर्थ करा होगा हमने, तो वहाँ पर ये जो है शॉर्ट होगा इनमें आपस में, मतलब ये दोनों शॉर्ट नहीं होंगे, ये जो हम जो करंट फ्लो कराएंगे वो इन दोनों के थ्रू जो है नीचे जाएगा, वो इन दोनों के थ्रू तो नीचे जाएगा, बट जो इसकी जो स्केलिंग है, ठीक है, वो हमारा जो अर्थ इलेक्ट्रोड है शॉर्ट वहाँ पर होगा, ठीक है, कितना 100 से 150 फीट दूर पर जो रीडिंग स्केल करेगा, ठीक है, वो इसी अर्थ टेस्टर के थ्रू वो जो है इसकी वैल्यू बता देगा, ठीक है, हमारी जो मतलब कि जो सोइल है उसकी जो है रेजिस्टिविटी कितनी है। तो इसी तरीके से जो है ये अर्थ रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। और कुछ इसमें समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय गाइस। और ये जो है एक मेथड लिख रखा है मैंने अर्थ को टेस्ट करने का, ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लेना, और मतलब कि पोस्ट करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय गाइस।